करना बंद कर, गांड फाड़ डालूंगा। कसाई मंत्री, लंड पकड़कर झांटों की आड़ में खुजलाते हुए तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछोगे और मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी तमन्नाओं को पूरा करना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए मुठबाजों ने आपको वोट दिया। रंडी खाने का मंत्री क्या होता जानते हो? आज तक एक बार भी रंडी खाने के ऑफिस में आए हो? वहाँ की चौकट पार करी है तुमने? आकर देखोगे कितनी तरह की रंडियां होती है एक रंडी खाने में। किसी के चूचे बड़े होते हैं, किसी की गांड बड़ी होती है, कोई स्कर्ट में रहता है, कोई घूंघट में रहती है, कोई नंगी रहती है। जानते हो कैसे चोदता हूँ मैं इन्हें? इस बुढ़ापे में भी फौलादी जवान की ताकत रखता हूँ। जब कोई नई रंडी आती है काम पर तो जल्दबाजी में मैं उसकी शक्ल देखकर एक तरफा फैसला नहीं करता। पहले मैं उस रंडी की गांड फाड़ता हूँ, फिर मैं उसकी चूत मारता हूँ। तुम्हारी तरह हवा में लड़ नहीं लाता, और उस दिन भी मैंने यही किया। उस दिन आपने किसी को भी चोदने नहीं दिया सर। जिस रंडी की सील आसानी से खुल सकती थी उसे आपने अपने फायदे के लिए और नहीं खुलने दिया, और आप हमसे खुद की गांड में हाथ डलवा रहे हैं? गांड में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। बिला बजे मत डालो, डाल के देखो तब पता चल जाएगा। सिर्फ एक दिन के लिए डंडी खाने का सीएम बन के देखो, वाइग्रा की गोलियों का दाम पता चल जाएगा। सॉरी सर, मैं वाइग्रा नहीं खाता सर। आप जो बोल रहे हैं वो सुनने के लिए देखने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, संविधान में इसके लिए भी प्रोविजन है। सिर्फ मामूली सा लंड का टेस्ट पास करना पड़ेगा बस। एक घंटा, पांच रंडी, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, आप मजाक कर रहे हैं। अरे मजाक तो तुम कर रहे हो बेटी चोद। बस एक दिन के लिए मेरी कुर्सी पर बैठ कर देखो कि कितनी लोगों को यहाँ पर चोदता हूँ मैं, कितनी काली झांटों को देखता हूँ मैं। तब पता चलेगा कि कितनी चोदियाँ इस रंडी खाने में भर्ती हुई और कितनी रंडियाँ मर गई। तब तुम यहाँ बैठना और फिर मैं तुमसे मुठ मरवाऊंगा इसी प्रोग्राम में। बोलो क्या बोलते हो? नहीं सर, वो आपका काम है, मेरा नहीं। बस गांड फट गई। तुम मुड़वाज लोग बस कुत्ते की तरह चोदते हो, रंडी के पीछे पीछे भागते हो। जैसे ही रंडी की सलवार हवा में उठी कि चोद चाद कर वापिस भाग जाते हो। बोलो, बनोगे रंडी खाने का सीएम एक दिन के लिए? या इंटरव्यू खत्म करें? ठीक है सर।